Good morning, everyone. Today is 10th of December और डे है थर्सडे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम चैप्टर नंबर है 13 और पेज नंबर है 93। पेज नंबर है 93। इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ वेट पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक में जो वो कितनी हैंड्स होती है, कैसे हम लोग टाइम को चेक करते हैं, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने आवर होते हैं, और टाइम को कैसे जो वो रीड किया जाता है, ठीक है। पीएम क्या होते हैं और एएम क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टू मेजर टाइम वी यूज अ क्लॉक और ए वॉच, ठीक है। क्लॉक और वॉच आपको पता है, क्लॉक जो दीवार घड़ी होती है उसको क्लॉक बोलते हैं, वॉच जो होती है वो कलाई में बांधी जाती है, ठीक है। अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, जो क्लॉक होती है उसकी जो वो टू हैंड्स बता रहे हैं, वैसे जो वो तीन हैंड्स भी होती है, कईयों में जो वो दो ही होती है, क्योंकि सेकंड को जो वो ज्यादातर मेजर नहीं किया जाता है, तो सेकंड भी कई क्लॉक में तो सेकंड होती है लेकिन कईयों में नहीं होती, तो इसलिए बोल रहा है कि अ वॉच अ क्लॉक हैज टू हैंड्स द शॉर्टर हैंड, ठीक है। जो छोटी सी हैंड होती है, आपने अगर क्लॉक ढंग से देखी होगी तो अगर आप टाइम अच्छे से देखना जानते होंगे तो आपको पता होगा से और जो छोटी सी हैंड होती है, ठीक है, जो मोटी और छोटी होती है उसको जो वो आवर वाली हैंड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर में यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। और मिनट की हैंड जो वो लंबी होती है, मिनट की जो हैंड होती है वो लॉन्गर हैंड होती है, ठीक है। और सेकेंड की जो वो बहुत ही थिन होती है, मतलब कि बहुत ही पतली जैसी होती है, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ पे लिखा है कि आवर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड विच इज नोन एज मिनट हैंड्स, जो लॉन्गर हैंड होती है उसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। इन सम वॉचेस देयर इज एन एडिशनल हैंड, ठीक है, कुछ वॉचेस में जो वो एडिशनल हैंड होती है विच इज वेरी थिन, बहुत ही पतली होती है, इज नोन एज सेकेंड हैंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड वाली हैंड। द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इन टू 12 इक्वल बिग डिवीजन मार्क्ड एट 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो क्लॉक है उसको जो वो कितने, या क्लॉक या वॉच जो वो दोनों को जो वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 5 इक्वल स्मॉल डिवीजन, उसमें जो वो हर एक में जो वो 5 इक्वल स्मॉल डिवीजन होते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव नंबर जैसे कि मतलब 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट होंगे, 5 होंगे, ठीक है। दस देयर आर 60 स्मॉल डिवीजन इन ऑल, ठीक है। तो अगर टोटल जो वो 12 पार्ट है, हर एक में जो वो 5 है, तो 12 और 5 जा कितना होगा 60, तो कितने स्मॉल डिवीजन हो गए, 60 स्मॉल डिवीजन हो गए इन ऑल। ईच बिग डिवीजन रिप्रेजेंट एन आवर एंड ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट अ मिनट, ठीक है। जो बड़े बड़े जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वो क्या शो कर रहे हैं, वो आवर को शो कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो बीच में जो 1 और 2 के बीच में, या 12 और 1 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में 5, 5 की डिवीजन है, वो शो कर रहे हैं मिनट्स को, ठीक है। आगे लिखा है द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, जो आवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 8, 9, 10, 11, 12 फिर से 1, 2, 3 ऐसे आ जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको पता है क्लॉक कैसे जो वो चलती है, ठीक है। तो डायल 1 आवर, इट मींस दैट द मिनट हैंड टेक 5 मिनट टू रीच फ्रॉम मार्क्ड 1 टू मार्क 2, ठीक है। 5 डिवीजन लेती है 1 से 2 तक पहुंचने के लिए। आगे लिखा है द सेकेंड हैंड ऑन द अदर हैंड गोस 1 राउंड द डायल इन 1 मिनट, दस, ठीक है। तो आपको जब वो कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो इम्पोर्टेंट जो वो 1 आवर तो आपको पता ही होगा, वैसे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड होंगे, और 1 आवर की बात करें तो 60 मिनट होंगे, ठीक है। आगे लिखा है द टाइम फ्रॉम 1 मिडनाइट टू नेक्स्ट मिडनाइट इज कॉल्ड 1 डे, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1 डे कब काउंट होगा, कब बोला जाएगा कि 1 दिन कंप्लीट हो गया, तो रात के 12 बजे से नेक्स्ट दिन के जो रात के 12 बजेंगे, मतलब कि 1 मिडनाइट से जो नेक्स्ट मिडनाइट होगी, मिडनाइट का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल 12 बजे, बिल्कुल पूरे 12 बजे, और 12 बजे के बाद ही जो है वो एएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रात के 12 बजे मतलब कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, तो वहां से ही एएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
आगे देखिए, मिडनाइट इज कॉल्ड वन डे, तो वन डे कैसे होगा, रात के 12 बजे से नेक्स्ट के 12 बजे तक जो है वो एक दिन काउंट होगा। द आवर हैंड्स गोज ट्वाइस राउंड द डायल इन वन डे, इन वन राउंड द आवर हैंड कंप्लीट 12 आवर एंड हैंस इन टू राउंड इट कंप्लीट 24 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर ये 12 से जो है वो कहाँ तक पहुँचती है, फिर से 12 तक पहुँचेगी, तो जो वो एक राउंड कंप्लीट किया है इसने, जब ये फिर से जो वो पूरा राउंड 12 तक पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसने जो वो दूसरा राउंड फिर से कंप्लीट कर दिया। जैसे मान लो रात के 12 बजे से चला और दिन के 12 बज गए, और दिन के 12 बजे से जो वो पीएम स्टार्ट हो जाएगा, दिन के 12 बजे के बाद पीएम स्टार्ट हो जाएगा पोस्ट मेरिडियन, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रात के देखिए यहाँ पे रात के 12 बजे से एक राउंड कंप्लीट हुआ यहाँ पे दिन के 12 बजे तक, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हाफ डे कैलकुलेट होगा। तो 12 बजे के बाद आफ्टरनून के बाद 12 बजे के बाद फिर से जो रात के 12 बज गए, इसका मतलब है पूरा दिन कैलकुलेट हो गया, 24 आवर जो वो कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है एक दिन जो वो 24 आवर का होता है। तो यहाँ पे लिखा है एक दिन जो वो 24 आवर का होता है, ये तो सबको पता ही है, याद रखना है। बाय यूजिंग द मल्टीपल टेबल ऑफ 5 वी कैन शो द रूट ऑफ ए मिनट्स हैंड्स। ठीक है, अब आपको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपने कैसे जो वो टाइम को चेक करना है, कैसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरल दे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक होंगे, और मिनट शो करेगा 5, 10, 12 तक। ठीक है, 60 तक की, क्योंकि 12 5 जैसे 60 होता है, तो 60 इक्वल पार्ट 5 5 एक और दो के बीच में, 12 और 1 के बीच में। ठीक है, हर एक भी जो 12 डिवीजन है पूरे क्लॉक में, उन हर एक के बीच में जो वो 5 का डिवीजन होगा, तो 12 5 जा 60, और 60 जो है वो मिनट्स होते हैं एक आवर में। तो हर एक देखिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, 1 5, जैसे मान लो टाइम हो गया 1:05। अच्छा ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे एरो लगा है। ठीक है, इसी को देखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो यहाँ पे 15, जब 15 मिनट्स हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3:15 हो गए। ठीक है, तो इसको जो वो कैसे जो वो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इट्स 3:15 या इट्स क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 3, मतलब कि 3:00 जो वो पास्ट का मतलब जो वो हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट का मतलब है हो चुका है टाइम, तो इट्स 3:15। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, बट देखिए वी कैन ऑल्सो से 3:15। ठीक है, हम लोग ऐसे भी ज्यादातर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि 3:15 हो गए, या 5:15 हो गए, 6:15 हो गए। ठीक है, ज्यादातर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3:15 को क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 3, इट्स क्वार्टर पास्ट 3 बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि क्वार्टर पास्ट को आप समझ गए होंगे, जब जब 15 मिनट हो जाए तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। ठीक है, जब 30 मिनट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लो 6:30 हो गए, जैसे मान लो 6:30 हो गया, तो हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इट्स या इट इज हाफ पास्ट 6, इट इज हाफ पास्ट 6। ठीक है, इट्स हाफ पास्ट 6 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 6:30। ठीक है, सिंपल वे में हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 6:30। ओके, ऐसा नहीं है कि 6:30 नहीं पढ़ सकते, हम लोग 6:30 भी पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ओके, आगे देखिए, जब जो वो जैसे 45 मिनट हो गए, जैसे कि मान लो 9:45 हो गए। ठीक है, 9:45 हो गए, एक तो सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 9:45 हो गए। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। अब आप लोगों को अगर ढंग से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू टेन बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू टेन, मतलब कि 10:15 रह गए। ठीक है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, या मेरे क्वार्टर टू टेन बोलेंगे। ठीक है, क्वार्टर टू टेन, यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू आ रहा है, मतलब कि अब क्वार्टर टू नाइन नहीं होगा, क्वार्टर टू नाइन नहीं होगा, आपने जो 9:45 हो गए तो 10 तक चले जाइए, मतलब कि क्वार्टर टू मतलब कितने बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, तो क्वार्टर टू 10, मतलब कि आगे वाला आपने यहाँ पे लेना है, बाकी आपने क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट में जो वो पीछे वाला ही नंबर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैंने जो है वो एक क्लॉक बना ली। ठीक है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 3,
और सॉरी यहाँ पे होगा 9 और यहाँ जैसे होगा 3, ठीक है। अब मान लो यहाँ से 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4, और यहाँ जैसे 5 होगा, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसे जो है, जैसे जो वो यहाँ पे नंबरिंग दी होती है, ऐसे चलता है, ठीक है, क्लॉक का। तो जैसे आपको टाइम चेक करना है, आपने जो है वो 13.1 को जो है वो इसके जो वो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, तो ध्यान से देख लें। इसी एक इसमें मैं बता दूंगा कि कैसे आपने टाइम को चेक करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आवर वाली हैंड है वो है 2 पर, ठीक है। जो आवर वाली हैंड है वो कहाँ पर है, वो है 2 पर, ठीक है। आवर वाली हैंड को मैंने जो वो इस ब्लू कलर से कर लिया है, मतलब कि बिल्कुल 2 पर है, बिल्कुल 2 पर है। अच्छा, बिल्कुल 2 पर नहीं है, 2 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। मान लो 2 से 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। अब देखिए मिनट की जो हैंड है वो मान लो यहाँ जैसे है 6 के ऊपर है, ठीक है। अब मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। आपने जो वो मिनट्स चेक करने हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि जैसे मान लो ये जो हैंड है, आवर वाली हैंड है, जो मतलब कि कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो पीछे वाला नंबर क्या था, ठीक है। आपने जब टाइम चेक करना है तो आपको बीच में नहीं जाना है, आपने बीच में मिनट्स ही कैलकुलेट करने हैं, तो मिनट्स वाली हैंड देखनी है। लेकिन अगर आपने जो वो आवर बताने हैं कि कितने बजकर कितने मिनट होंगे, तो आपने जो वो जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में है, तो पहले 2 आता है, तो पहले 2 लिख लें, तो 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। बीच में जो वो 2 बिंदु लगा लिए मैंने, ठीक है। तो टाइम को ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे 6 पर है, अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे 6 का कितने मिनट हो जाएंगे। आपको पता है कि हर एक में जो वो 5 का डिवीजन है, तो 6 पार्ट पर कितना हो, कितने मिनट हो जाएंगे, तो हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा होता है 30, तो इसका मतलब है कि 30 मिनट हो गए होंगे। अगर ये बिल्कुल 6 पर है तो 6:30 हो गए होंगे, 6:30 नहीं, सॉरी, 30 मिनट हो गए होंगे, तो 2:30 हो गए। अच्छा, 2:00 अगर 30 मिनट होंगे, तो इसको जो वो कैसे हमने पीछे पढ़ा, कैसे जो वो इसको हमने पीछे पढ़ा, तो इसको हमने पढ़ा इट्स हाफ फास्ट टू, इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये तो हाफ फास्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ टाइमिंग लिखनी है, जैसे कि 2:30 6:10 8:05 हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लॉक बना ली, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 5 और 6 के बीच में है मेरी जो आवर वाली हैंड है, 5 और 6 के बीच में, हमें नहीं पता कि कहाँ जैसे है 5 और 6 के बीच में है। हम लोग जो है वो इसको मतलब कि आवर वाली हैंड को देखकर जो है वो हम लोग मिनट्स का पता नहीं लगा सकते, मिनट की जो वो हमें देखना पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो मिनट की जो हैंड है वो है यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ जैसे है 10, और यहाँ जैसे आपको पता है 9 होगा, यहाँ जैसे 11 होगा, तो ये जो मिनट की जो हैंड है वो है 10 पर, बिल्कुल 10 पर है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बोला कि 5 और 6 के बीच में, हमें 6 पर नहीं जाना है, पीछे वाला नंबर हमने लेना है। तो मैंने लिख लिया टाइम कितना हो जाएगा, 5:00 कुछ मिनट हो गए होंगे, मिनट आपने मिनट की हैंड को देखकर चेक करने, ठीक है। तो मिनट की हैंड देखिए कहाँ पर है, 10 पर है। तो इसका भी मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि 10 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 5 जा कितना हो गया 50, इसका मतलब है 5:50 हो गए, 5:50 हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको चेक करना, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक बात और पूछी जाती है, जैसे कि ए एम क्या होता है और पी एम क्या होता है, ठीक है। आपको जो वो इनकी फुल फॉर्म भी लिख लेनी है आपने, एंटी मेरिडियन, ठीक है, एंटी मेरिडियन, ठीक है। आप पूरी लिख लें इसको, MERIDIEM, एंटी मेरिडियम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, पोस्ट, POST, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, MERIDIEM, ठीक है, पोस्ट मेरिडियन। अब आपको पता है कि एंटी मेरिडियन AM जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, AM जो है वो रात के 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ AM की,
एएम की जॉब वो रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, रात के 12 बजे से आफ्टरनून तक, ठीक है, आफ्टरनून के 12 बजे तक जॉब वो एएम रहेगा। और पीएम का कब रहेगा, जब आफ्टरनून के 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद और शाम के 12 बजे तक जो है वो क्या रहेगा, पीएम रहेगा, पोस्ट मेरिडियन रहेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड होमवर्क सभी भेजेंगे, क्लॉक को कंप्लीट करिए और होमवर्क की पिक लेके जॉब वो भेजिए सभी। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।